छोटे बच्चे को खांसी एक ही बार में कैसे ठीक करें? जिन बच्चों की उम्र 1 साल से छोटी है उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए? जो बच्चे 1 साल से बड़े हो चुके हैं उनका इलाज कैसे हो? और जो बच्चे 2 साल से बड़े हो चुके हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। उनको खाने की कोई भी चीज़ दी जा सकती है। अगर उनका गला ख़राब है, उनके गले में बलगम आती है, रात को सोने में दिक्कत होती है, तो आपने क्या करना है, एक आधा चम्मच आपने अदरक का रस ले लीजिए या फिर टुकड़ा ले लीजिए, क्रश कर लीजिए अदरक को, और उसको पानी में बॉयल कर लीजिए। आधा कप पानी आपने इस तरीके से तैयार कर लेना है, आधा चम्मच ही अदरक को मिक्स कीजिए। ये बच्चे को दिन में 3 से 4 बार पिला दीजिए यही पानी। इतना पानी ही पिलाना है, यानी कि आप 2-2 घूंट उसको पिलाते रहिए पूरे दिन में। ऐसा करने से गले की बलगम जो होती है वो दूर हो जाती है, जो छाती में बलगम जमी है वो भी दूर हो जाएगी और खांसी भी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं, जो बच्चा 1 साल से बड़ा है उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। उनको सबसे फर्स्ट तो आप क्या करें, अगर आप मदर फीड पिला रहे हैं बच्चे को तो मदर फीड तो देते ही रहें। इसके अलावा आपने क्या करना है, हल्का गुनगुना दूध लेना है आपने आधा कप, और उसके अंदर भुनी हुई जो उस नॉर्मल हल्दी होती है, हल्दी पाउडर हमारे किचन में होता है, उसको हल्का सा भून लीजिए, और 2 चुटकी भुना हुआ जो हल्दी है वो दूध में मिक्स कर दीजिए, और उसके अंदर आधा चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए। ये बच्चे को 2-2 चम्मच आप पिलाते रहिए। ऐसा करने से जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल से बड़े हैं, उनको अगर खांसी है, बलगम है, तो ये चीज़ उनको दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप बच्चे को दिन में आधा आधा चम्मच शहद भी ऐसे ही चटाते रहें। ऐसा करने से बच्चे का गला भी साफ़ रहेगा। अब बात करते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, या फिर 0 से 1 साल तक के बच्चे हैं, उनको क्या किया जाए। उनको किसी भी तरीके की खाने की कोई भी चीज़ नहीं दें, मदर फीड प्रॉपरली देते रहें। मदर फीड देने से बच्चे की खांसी अपने आप दूर हो जाएगी, और इसके अलावा जो मदर है वही खट्टी चीज़ें और स्पेशली टमाटर नहीं खाए। अब बात करते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बच्चों की विक्स आती है, बच्चों की विक्स को बच्चे की छाती पर लगा दीजिए, छाती में रिलैक्स हो जाएगा, जो बलगम जमी है वो बाहर हो जाएगी। इसके अलावा उसके पैरों पर भी लगा दीजिए, नाक पर, मुंह पर और माथे पर नहीं लगाएं। ऐसा ट्रीटमेंट करने से बच्चे की खांसी दूर हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट बच्चे को रात को सोते टाइम ही करना है, दिन में नहीं करना। जब वो जाग रहा है या चल रहा है उस टाइम नहीं करना, रात को जब वो सोने लगा है तभी इसको फॉलो कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत खास है हर उम्र के बच्चे के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।